आज हिंदी रेडियो पर बड़ी मजेदार बात होने वाली है। अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ, शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए। तू इसके लिए बच जा। कहा जाता है कि बॉलीवुड की फिल्में देखने जाओ तो दिमाग थिएटर के बाहर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लॉजिक लगाते लगाते फिल्म की कहानी बाउंसर की तरह सर के ऊपर से चली जाएगी और दिमाग में ऊटपटांग सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे कि अगर फिल्म में हीरोइन को ठंड लग रही हो तो हीरो के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी। बलात्कार और अत्याचार पर दो कौड़ी का ज्ञान देने वाले आजकल के घमंडी और सेमी पॉर्न कलाकारों ने जो विरासत संभाली हुई है, उनके पूर्वजों ने एक गजब की जानलेवा बीमारी ढूंढ निकाली थी जिसे कहा जाता है जमना सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। अब इस सर्दी वाली नींद का समाधान क्या होता है? पर नहीं, ये कोई बलात्कार नहीं है, ये तो है, यही एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से बॉलीवुड सिखाता है कि किस तरह से बलात्कार करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम एक लाश होती। पर इस मासूम जनता को क्या ही पता है कि सुनील दत्त और शशि कपूर भी ठंड से तड़पती हीरोइन को जिस्म की गर्मी दे चुके हैं, और यहाँ तक एक फिल्म में तो अमिताभ बच्चन भी। हम सोचते हैं कि वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि पुराने जमाने की फिल्में फैमिली के साथ देखने लायक होती थी। हमें भी यही लगता था, लेकिन एक दिन हमने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का ये सीन देख लिया। मजा आ गया। अमित, साबुन उठाइए। हाँ, साबुन उठाइए। मैंने साबुन नहीं। असल में देखा जाए तो फिल्मी दौर को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्लासिकल एरा, फिर गोल्डन एरा और आज का आधुनिक दौर। इन सब में सिर्फ क्लासिकल एरा की फिल्मों में ऐसी ओटपटांग हरकतें नहीं होती थी।